वायरस हर जगह फैला हुआ है। ऐसे में मुंबई महाराष्ट्र में इसका संक्रमण ज्यादा देखा जा रहा है। चलिए आज आपको बताती हूँ कि बॉलीवुड में से ऐसे कौन से सितारे हैं जो इसकी चपेट में आ चुके हैं। नमस्कार, मैं हूँ रिदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। अमिताभ बच्चन को शनिवार रात को ही हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके साथ साथ अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वेल, अगर मैं बॉलीवुड की स्टार्ट की बात करूं कि कहां से ये कोरोना पॉजिटिव का जो केस है वो शुरू हुआ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कनिका कपूर जो जिन्होंने लंदन की ट्रैवलिंग की थी, उसके बाद से ही खबरें आने लगी कि वो कोरोना पॉजिटिव रही हैं और 15 से 20 दिन लगे उन्हें ठीक होने में। उसके बाद में करीम मोरानी जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया, साथ में उनकी दोनों बेटियां भी। बोनी कपूर के स्टाफ मेंबर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, हालांकि उनकी जो रिपोर्ट थी वो नॉर्मल आई थी। करण जौहर उनके घर में भी स्टाफ मेंबर, वरुण धवन उनके घर में भी स्टाफ मेंबर और रेखा जिनके खुद सिक्योरिटी गार्ड अभी हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीएमसी ने उनका बंगला सील कर दिया है। यहाँ तक कि रेखा ने भी अब डिसाइड किया है कि वो भी टेस्ट करवाएंगी और ये देखेगी कि उनको कोरोना है या नहीं। अमिताभ बच्चन जिन्होंने खबर हाल ही में आई है, ऐसे कई बॉलीवुड बड़े स्टार्स हैं जो कोरोना की चपेट में ऑलरेडी आ चुके हैं। ऐसे में सिर्फ मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी, घर में रहिए, सेफ रहिए, ध्यान रखिए, गर्म पानी पीते रहिए और साथ ही जितना ज्यादा हो सके अपने हैंड को वॉश करते रहिए। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए बॉलीवुड हेडलाइंस।